जब कोई घटना घटती है तो मैं आप लोगों से अपनी उस घटना को शेयर करने के लिए आया जाता हूँ। तो ऐसी ही कोई घटना जो है कि दो दिन पहले हमारे साथ हुई है, दो दिन नहीं बल्कि क्या तीन दिन हो चुके हैं इस बात को। घटना क्या घटी है तो मेरे पुराने व्यूवर्स उनको पता है, ऐसे मेरा मोबाइल का काम है, एसेसरीज का और रिपेयरिंग, मतलब सारा काम है मेरा, होलसेल का काम है। तो अभी जो है कि तीन दिन पहले की जो घटना है वो ये घटी है। आज से तीन महीने पीछे चले जाओ आप, मार्च की स्टार्टिंग में हमने किसी कस्टमर को एक स्पीकर बेचा था, जो टावर जिसे कहते हैं, जिसकी हाइट होती है लगभग 1.5 से 2 फुट के करीब हाइट होती है। वो स्पीकर हमने 2600 रुपये का बेचा था हमने, और 2600 का बेचने के बाद जो है कि हमने उस कस्टमर को वारंटी दी थी। वारंटी में क्या कहा था हमने उनसे, ये कहा था से अगर ये स्पीकर आपका 10 दिन में अगर ख़राब हो जाता है तो हम आपको नया पीस देंगे, अदरवाइज़ अगर ये पीस 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद अगर ये ख़राब होता है तो मैं आपको रिपेयर करवा के दूंगा। और उसमें भी कंडीशन रखी थी जो हमेशा हर किसी के साथ होता है से भाई, टूटने फूटने की कटने की कोई गारंटी नहीं होती है। ये सारी चीज़ें कहकर हमने कस्टमर को स्पीकर दे दिया। कस्टमर स्पीकर लेके चला गया और मेरे हिसाब से 10 दिन हुए थे और 10 दिन में ही जो है कि वो कस्टमर मेरे पास रिटर्न आता है, कहता भैया आपने कैसा स्पीकर दे दिया, स्पीकर ख़राब हो गया। तो मैंने देखा से भाई चूहे ने उसकी तार को काट रखी है, जो प्लग होता है उसका प्लग कटा हुआ था। तो मैंने कहा भैया इसके चूहे ने तार काट रखी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो कस्टमर ने कहा मुझे नहीं पता भैया, मुझे नया बदल दो। तो मैंने कहा नया तो नहीं बदल सकता, अभी तार कटी है मैं रिपेयर करके दे देता हूँ। मैंने एक प्लग लिया, प्लग लगा के दे दिया। तो मैंने कहा भैया देखो आगे से ध्यान रखना, अभी तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ, बाकी अगर इस तरीके से अगर दिक्कत आएगी तो फिर इसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि चूहे अंदर चले जाएंगे और तार वार काट दे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी तो बाहर से काटा है। फिर उसके बाद जो है कि दोबारा से 15-20 दिन हुए ही थे और वो कस्टमर दोबारा से मेरे पास आया, कह रहा भैया बुफर नहीं चल रहा। फिर मैंने देखा उसे भाई कहीं से तार वार तो नहीं कटी हुई है। उस कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो कभी भी आता था ना तो सुबह सुबह आता था, मतलब अगर पहले भी आया था तो सुबह में आया था, दोबारा फिर आज आया है तो सुबह में आया है। और सुबह सुबह का समय जो होता है वो हमारे हर दुकानदार का एक बिजनेस में अगर बताएं तो बोहनी भट्टे का हिसाब किताब जो भी होता है वो होता है। तो सुबह सुबह हम जो है रिप्लेसमेंट करते समय या कोई कस्टमर आ जाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, मुझे क्या हर दुकानदार को बुरा लगता है। फिर मैंने उससे कहा से भैया देखो अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो आप दोपहर में आओ। मैंने कहा से मुझे नहीं पता भैया, मेरे घर में जो है कि पार्टी है, शादी है, पता नहीं क्या है, आप मुझे नया पीस दे दो। मैंने भी कहा यार कस्टमर ख़राब होने से बेहतर ही है। मैंने उसी टाइम सुबह सुबह का समय था, मैंने कहा भैया ये नया पीस ले जाओ। कस्टमर नया पीस लेके चला जाता है। फिर उसके बाद दोबारा 1 महीने बाद आ जाता है और फिर कहता है सर भैया स्पीकर फिर ख़राब हो गया। अब मेरे दिमाग में एक बात आ रही है सर भाई, अभी तक मैंने लगभग अगर बात करूँ उस कंपनी का स्पीकर जो है कि लगभग नहीं भी तो मैंने 300 से 400 पीस सेम मॉडल बेच चुका हूँ, जिसमें से मुश्किल से 3-4 स्पीकर हमारे पास वापसी में आए होंगे रिपेयरिंग के लिए। मैंने कहा यार कुछ जानबूझ के तो नहीं कर रहा, दिमाग में बातें आती हैं। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने उससे कहा से भैया देखो अभी सुबह सुबह ही आया था। मैंने कहा भैया सुबह सुबह का समय है, आपको ये दोपहर में मिलेगा। कह रहा भैया हमें दोपहर में ना किसी भी हाल में चाहिए, हमारे घर में शादी है और मुझे या तो नया पीस दे दो। मैंने कहा यार हर बार में मैं नया पीस नहीं बदल सकता और इस बात को तब 2 महीने होने को आ गए हैं, 2 महीने में पीस मैं नया नहीं बदल सकता, आपको रिपेयर होके मिलेगा। लड़कों से कहा से भाई रिपेयर कर दे। फिर रिपेयर होने के बाद बंदा आता है 1:30-2 बजे करीब और स्पीकर ले जाता है, कहता भैया अब ख़राब तो नहीं होगा। मैंने उससे कहा से भैया देखो ख़राब होना तो आपके ऊपर है, किस तरीके से आप चलाते हो ये तो मैं भी नहीं समझ सकता क्यों ख़राब हो जाता है ये। कस्टमर ने कहा ठीक है मैं लेके चला, कस्टमर लेके चला जाता है। फिर वो कस्टमर मेरे पास 3-3.5 महीने बाद आता है, यानी कि आज से 3 दिन पहले सुबह सुबह आया और उस टाइम मैं दुकान पे नहीं था, मैं घर पे ही होता हूँ क्योंकि 10 बजे करीब मैं शॉप पे नहीं होता, मैं 11 बजे के बाद ही जाता हूँ, लड़के होते हैं शॉप पे। तो सुबह सुबह आने के बाद और 3 बंदे आए थे और तीनों बंदे जो है कि लड़कों से, मतलब मेरे पास उस टाइम 2 लड़के आ चुके थे, दोनों लड़कों से बहस किया जा रहा था। वो बहस करते करते जो है कि वो परेशान हो गए, उन्होंने फिर लड़कों ने मुझे फ़ोन किया से भैया ऐसी सी बात है दुकान पे कोई कस्टमर आया सुबह सुबह हमसे लड़ रहा है। तो मैंने कहा सर ठीक है कोई बात नहीं, कस्टमर को बोल भैया अभी आ रहे हैं। तो वो कस्टमर कहने लगे अभी बुलाओ। तो मैंने भी कहा यार पता नहीं क्या है, चलो चलते हैं। हम चले गए, जाने के बाद फिर मेरे से भी बहसबाजी होने लगी, भाई कैसा स्पीकर दे दिया, इतना घटिया माल है, फलाना है, ढिकाना है, ये वो। मैं सुबह सुबह सुनता रहा, मैंने उससे फिर बंदे से बात करने की कोशिश करी जैसे कि हर दुकानदार करता है, पहले भैया जितनी कोशिश हो सके उतना कस्टमर को आप फोर्स करो समझाने में या जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने में। लेकिन वो बंदा मतलब सुबह सुबह लड़ने को तैयार है, कुछ जीत पड़ गया बहस करते करते, मुझे नया पीस चाहिए। मैंने कस्टमर से कहा, मैंने कहा भैया नया पीस नहीं मिलेगा, आपको रिपेयर करके मिलेगा और इस बार 3 से 4 दिन का समय लगेगा। तो कस्टमर कहने लगा से नहीं मुझे अभी के अभी चाहिए, नहीं तो मैं यहीं तोड़ के आग लगा के दूंगा। भाई वो स्पीकर नीचे रखा हुआ था, मैंने काउंटर पर रखा, उस पर से 3 बंदों में से एक बंदा आया गुस्से में हाइपर होते हुए और उसने स्पीकर को लिया ज़मीन पे दे मारा, वो स्पीकर टूट गया। टूटने के बाद एक वीडियो देख लो आप ये।
वो बंदा जो है इंसान का गुस्सा इतना गंदा होता है, या आप देख सकते हो बंदा जिस हिसाब से हाइपर हो रहा है, मतलब ये घर से सोच के आए थे भाई बंदे से जाके लड़ना है। फिलहाल जो भी एफ एस बंदे ने जो है कि सौ नंबर पे फ़ोन किया, सौ नंबर पे फ़ोन करने के बाद फिर मुझे भी लोगों ने कहा से भाई आप भी सौ नंबर पे फ़ोन कर दो, जो ये मेरी गलती थी। यही ये जो हादसा हुआ है उस हादसे को सुनाने में यहाँ पे जो मायने रखता है यहाँ के बाद की स्टोरी। जब हमने सौ नंबर पे उसने भी फ़ोन किया, मैंने भी किया, पुलिस वाले आए, और आने के बाद जैसे कस्टमर जो है कि स्पीकर लेके गए थे और गुस्से में इन्होंने तोड़ दिया है, और ये इसकी ये हालत है। अभी जो है कि मुझे थाने में जाना है तो एक बार मैं दिखाऊंगा उन्होंने तोड़ा है, और ये सामने कस्टमर खड़े हैं जी, ये दो तीन बंदे जो है। उन्होंने भी अपनी बात बताई और मैंने भी अपनी बात बताई, भाई मेरी दुकान पे आए और ये तोड़फोड़ मचा रहे हैं, और ये कहानी है। तो पुलिस वालों ने कहा से भाई ऐसा है आप लोग थाने चले जाओ, आप SI से मिलो, आपको जो है कि वहीं आपका सलूशन मिलेगा। अब हम वहाँ चले गए करीब 10:30-11 बजे करीब, मतलब 11 बजे करीब हम थाने पहुँचे। ये जी रोनी सेक्टर 16 का थाना, एक गए और हमने वहाँ जाके फिर पूछा भाई रोनी का केस था कैसे ऐसे, तो उन्होंने कहा से भाई अभी आ रहे हो आप बैठो। भाई 1-1.5 घंटे बाद जो है कि SI आए, और आने के बाद उनसे उन्होंने जो है कि हमारी प्रॉब्लम को सुना। सुनने के बाद मुझे लगा से शायद भाई जो भी ये मामला सुलट जाएगा, लेकिन यहाँ से कहानी कुछ और मोड़ लेने वाली है, कुछ और कहानी जाने वाली है। तो फिर उसके बाद जो है कि उन्होंने कहा से भाई ऐसा है आप लोग बैठो, अभी मेरे पास एक काम है मैं वो निपटा के आता हूँ। फिर 1-1.5 घंटे तक हम बैठ गए। 1-1.5 घंटे बैठने के बाद जिससे मेरी लड़ाई हुई थी, जो तीन बंदों से, मतलब जिनसे बहसबाजी हुई थी, फिर वो कहने लगे भैया अब क्या होगा। मैंने कहा भाई यार वो आप देखोगे क्या होगा, ये तो नेचुरल सी बात है, आप यहाँ तक आए हो तो कुछ ना कुछ तो आपके सामने जो भी होगा। तो बंदों ने कहा से भैया मैं हम जो है कि हम इस लफड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप बताओ क्या करना है। मैंने कहा भाई यार ये चीज़ तो आप पहले सोचते हैं ना क्या करना है नहीं करना है, अब तो जो भी है आपके सामने ही है वो। तो कह रहे भैया प्लीज़ हम आपस में समझौता कर लेते हैं। मैंने कहा भाई बताओ क्या करना है। तो उस बंदे ने कहा से भैया हम इस मैटर को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, आप मुझे एक नया स्पीकर दे दो और मैं आपको आधे पैसे दूंगा। फिर मुझे भी लगा से भाई टाइम ख़राब करने से बेहतर यही है, 1.5-2 घंटे हो चुके हैं पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, दे दा के ख़त्म करो। मेरे भी दिमाग में बात आई और कुछ मेरे साथ लोग भी थे, उन्होंने भी यही सलाह दिया अरे साहिल भाई मैटर को ख़त्म करते हैं। तो मैंने बंदे से कह दिया ठीक है भाई नया स्पीकर हम दे देंगे। अब SI के इंतज़ार में करते करते एक दो बंदे और आए, अलग अलग स्टाफ आए, पूछते रहे क्या हुआ ये वो, सबको कहानियाँ सुनाते रहे। लास्ट में जो है कि फिर वो आए भाई, आने के बाद पूछा भाई क्या हुआ बताओ क्या चाहते हो। तो मैंने उन लोगों को वीडियो दिखाई थी भाई ऐसी तरीके से इन्होंने गलती करी है, ये चीज़ें थी, और उसमें से जो है कि मेरे लड़के ने क्या गलती करी थी एक्चुअली में क्या है, मेरी दुकान है ठेके के सामने, तो आए दिन वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो हमने अपने पास एक डंडा रख रखा है बेसबॉल भाई अपनी सेफ्टी के लिए, तो लड़के ने जो है कि बेसबॉल निकाल लिया था पर ना ही उठाया था ना ही किसी को मारा था, और वो भी इसलिए उठाया था से राहुल नाम का व्यक्ति है हमारी दुकान पर उसको गाली दी थी माँ बहन की। तो वो कह रहा भैया मैं काम करने के लिए आता हूँ आपसे मैटर है, माँ बहन की गाली क्यों दे रहा है, इसलिए उसने गुस्से में उठा लिया था। तो उसे समझाया था तो उसने डंडा रख दिया था। फिर पुलिस वालों ने कहा सर बताओ क्या करना है। तो मैंने उनसे कहा सर भाई ऐसा है कि हम तो जो समझौता चाहते हैं, हमने आपस में अपनी बात कर ली है, हम दोनों जो है कि समझौता कर रहे हैं। तो पुलिस वाले ने मतलब यहाँ पे हमसे क्या कहा, हमसे ये कहा सर भाई वो जो तुमने करना था कर दिया, अब जो करना है अब हमें करना है। मैंने कहा सर क्या करना है, मतलब मीन्स समझा नहीं। कह रहे आए तो अपनी मर्जी से हो, अब जाओगे हमारी मर्जी से। मैंने कहा मजाक चल रही होगी, पर मजाक नहीं था यहाँ पे कुछ भी, सब कुछ सीरियस हो रहा था। तो मैंने कहा जी बताओ अब क्या करना है। फिर मतलब 1 घंटे तक फिर हमें कहा भी आता हूँ, फिर हमें 1 घंटे तक बैठा दिया। कब हमें 11 बजे सुबह जो मतलब गए थे, कब 11 से 4 बज गए हमें पता ही नहीं लगा भाई, क्योंकि बैठे बैठे हम पक गए थे। फिर लास्ट में जो है कि हमें बुलाया गया दोनों को अंदर, और फिर वही डराया धमकाया गया से भाई ऐसा है तुम पे तो केस लगेगा, तुम दोनों ही बंद होगे, अब बताओ क्या करना है। और वही हम आम पब्लिक हम डर जाते हैं यार, इन लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहते। तो मैं आपको बता दूं पहली बार मुझे लगता था पहले से भाई अब जो है कि करप्शन ख़त्म हो गया, पर ऐसा नहीं है, अब तो बल्कि खुलेआम करप्शन होता है। मैं इस वीडियो में मैं पूरी बात नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास का प्रूफ नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैंने फेस किया है वही चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ। कानून ने आपसे ये कह दिया भैंस नहीं वो हाथी थी, तो कितना टाइम बीत जाएगा और मैं उसको साबित भी नहीं कर पाऊँगा से वो भैंस थी या हाथी थी। भैंस हाथी कब बन जाएगी मुझे खुद नहीं पता लगेगा। फिर मैंने भी सोच समझ के कहा था चलो ठीक है बताओ क्या करना है। स्पीकर जो था उसकी कई गुना कीमत उस बंदे से लिए गए, ऐसा नहीं है मुझसे भी नहीं लिए, मुझसे भी लिए पर उस बंदे से ज़्यादा लिए और मुझसे कम लिए।
और तब जाके हमारा ये केस ख़त्म हुआ। तब सारा मैटर निपटने के बाद बंदे दुकान पे आए और दुकान पे आने के बाद मैंने उनको एक स्पीकर दिया और उससे आधे पैसे लिए। तो ये हादसा मेरे साथ हुआ है। तो भाई मैं ये चाहता हूँ कभी भी अगर आपके बीच में ऐसा कुछ होता है तो कोशिश करो आप आपस में बैठ कर सुलह कर लो, क्योंकि आप जब तीसरे बंदे को बुलाओगे ना तो कहानी आपके हिसाब से नहीं उस बंदे के हिसाब से चलेगी। तो बेहतर ये है, कोशिश ये करो से आपस में सलट लो, नहीं बहुत ज़्यादा कुछ होता है तो आप इस चीज़ का सहारा लो। तो ये थी जी हमारी आज की स्टोरी। आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका होगा, कई लोग मेरे जैसी जो चीज़ें मैंने करी हैं इस तरीके की कई चीज़ें लोगों के साथ हो चुकी होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी कुछ आप लोगों को पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को पता है आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।